नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है, यहाँ पे मैं मान लीजिए जो YMJ का मशीन है, ये मैं बहुत OCA मशीन यूज कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जो है आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, YMJ का जो ये OCA मशीन है और इसका जो एयर कंप्रेसर है उसके ऊपर ये वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें होता है क्या, कुछ चीज़ें जो होता है क्या, मान लीजिए इसके अंदर कचरा जम जाता है जो कि हमें निकालना होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं किए थे। इससे पहले जो है हो चुका है 1.5 साल यानी 18 महीना से ऊपर मशीन लिए हुआ, और अभी तक हम इसका जो है कचरा अभी तक नहीं निकाले हैं। तो इसके कारण मुझे प्रॉब्लम क्या हुआ है दोस्तों, आज जो है हम एक फोल्डर बना रहे थे और उस फोल्डर के ऊपर जो है थोड़ा पानी तो आने लगा। तो हम कोई वीडियो देखे थे जिसमें कि बताया गया था कि मान लीजिए इसके अंदर से जो है ये कचरा निकाला जाता है, यदि हम नहीं निकालते हैं उसे तो बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए वो ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए उसके अंदर कचरा जब जम जाएगा और एयर सही से नहीं ये हो पाएगा तो वो ब्लास्ट हो सकता है, और बहुत बार ये ब्लास्ट हुआ भी है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसी के ऊपर है कि हम यही बताएंगे कि आप इस कचरा को कैसे निकालेंगे और क्या इसके अंदर जो एयर भरा हुआ है वो आप कैसे निकालेंगे, यही बात करेंगे आज हम। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों आप कैसे इसको निकाल सकते हैं। सब्सक्राइब करें रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए यहाँ पे चलते हैं अपने एयर कंप्रेसर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है अभी भी एयर भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप मशीन यूज करते हैं तो एयर इसका जो है निकालने के लिए इस साइड से कुछ नॉब रहता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है ये नॉब, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये नॉब जो है इसको इस तरह से खींच और ये जो है एयर निकलना स्टार्ट हो चुका है, जो कि मेरा एयर बिल्कुल ही खाली हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मीटर जो है धीरे धीरे डाउन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे डाउन हो चुका है, ठीक है। इसको खींच करके रखना है दोस्तों, नहीं तो एयर निकल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है मीटर का कांटा जो है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, यानी वो चीज़ जो है खींच करके हम छोड़ देंगे तो हल्का सा निकल करके रह जाता है, बट यहाँ पे खींच के रखने से जो है पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको हम खाली करते हैं और उसके बाद मिलते हैं कि जो ये कचरा है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये एयर कंप्रेसर जो था, एयर था वो पूरा खाली हो चुका है, अभी भी हल्का सा भरा हुआ है जो कि 0 से हल्का कांटा ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जहाँ तक हम कोशिश किए हैं खाली कर लिए हैं दोस्तों, अब हम यहाँ से जो है ये कचरा निकालेंगे। एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि मान लीजिए आप भी बिजली में जो प्लग इन किए हुए हैं तो यहाँ पे जो है आप अपना प्लग जो है वो आउट निकाल लें। तो यहाँ पे जो है दोस्तों देख ही सकते हैं यहाँ एयर खाली हो चुका है, और अब हम यहाँ पे चलते हैं इस मशीन की तरफ और यहाँ पे हम करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये फेस जो है देख सकते हैं, इसके अंदर एयर भी थोड़ा सा भरा हुआ है अभी भी, जो कि मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पे हम इसको लिए हैं अभी फिलहाल खोल, बट अभी भी जो है इसके अंदर से कुछ नहीं निकला है कचरा। तो यहाँ पे होता है क्या दोस्तों, ये जाम हो जाता है, ठीक है, कचरा के कारण। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं अभी चिमटा। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो था ये कुछ इस तरह से लाइन डलाने के बाद यहाँ पे जो है ये कचरा निकलता है, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ जो है निकाला बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए जब हम नहीं निकालेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये मशीन जो है ब्लास्ट भी हो सकता है। तो कोशिश करें दोस्तों कि ये निकाल दें, जो कि होता है क्या ये कुछ है नहीं दोस्तों, ये मिट्टी है, एक तरह का कचरा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, जो कि ये मान लीजिए बहुत दिन होने के कारण जो है कचरा उचरा भर जाता है और वही जो है इसके अंदर जम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कुछ इस तरह से इतना कचरा निकला है। यहाँ पे दुकान ही था तो दुकान में हम नहीं बहा सकते थे। तो यहाँ पे होता है क्या, मान लीजिए जब बहुत एयर जो है बहुत बार मान लीजिए इकट्ठा होने के कारण, अंदर जब बबल रूम या नीचे इकट्ठा होने के कारण जो है उसके अंदर से कुछ पानी
जो है पानी जैसा ये होता है, तो वही पानी है। और यहाँ पे जो है इसके अंदर जो बाहर से जो हवा जाता है और वहाँ जो उसके साथ जो गंदगी होता है वो भी उसके अंदर जो है जमा हो जाता है। तो वो जो है यहाँ पे आकर के ये नीचे जो है जाम करता है। तो ये चीज़ जो है निकालना आपको ज़रूरी होता है। बहुत बार दोस्तों आपसे नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, नीचे जो वो आप देख रहे हैं जो हॉल था, उस हॉल को करना क्या है, कोई नुकीली चीज़ चिमटी या कुछ के माध्यम, कोई ऐसा नुकीला चीज़ हो जिससे कि उसमें हल्का सा छेद कर देना, जिससे कि वो कचरा बाहर आ जाएगा और ये पानी निकल जाएगा। तो हल्का सा जो है टेढ़ा मेढ़ा करके उसके बाद ही ये निकालना होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हैं निकल चुका है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा हमें भी या भी आपको भी, कि मान लीजिए जब हम इस एयर कंप्रेसर को यूज करते हैं तो महीना या दो महीना तीन महीना के अंदर में एक आध बार इसे साफ कर ही देना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। या हम मान लीजिए हम भी यूज करते हैं तो मेरे लिए भी, या तो आप यूज कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि ये ब्लास्ट भी हो सकता है। कई बार जो ये बबल रिमूवर आपको पता ही है कि ब्लास्ट भी हुआ इससे पहले, तो इस चीज़ों का ध्यान जो है रखना बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख ही लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो था आज का वीडियो बस इसी कंप्रेसर एयर कंप्रेसर के ऊपर था, ठीक है। तो आज का वीडियो को हम बस यहीं पे यूज करते हैं दोस्तों, और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा उसी दबा के मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ उस इसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगा, ठीक है दोस्तों। और इस बात को आप लोग कभी भी ध्यान में अवश्य रखा कीजिए कि एयर कंप्रेसर का जो ये कचरा है वो खाली कर ही दिया कीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले दिन कुछ ना लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।